कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स फ्रॉम बियरिंग। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें बियरिंग से किसी भी ट्रैवर्स का इंटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर वही एंगल कैसे चेक करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखी है लाइन और फोर बियरिंग, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये डेटा यूज़ करना है। अब यहाँ पर है लाइन ए बी और इसकी फोर बियरिंग है 60 डिग्री 30 मिनट्स, तो इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ए पे, साइट किया बी पे और एंगल कितना आया 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, अब ये नॉर्थ एरो हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ एरो हो गया। अब 60 डिग्री 30 मिनट्स एक कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कंपास सर्वेइंग में हम लोग क्वाड्रेंट इस तरीके से फॉलो करते हैं, तो 60 डिग्री 30 मिनट्स आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नॉर्थ से 60 डिग्री 30 मिनट्स और उस पर एक लाइन आपने प्लॉट कर दी, ये हो गया 30 मिनट्स। अब ये है आपका बी पॉइंट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, बी से सी 122 डिग्री 0 मिनट्स, तो बी पे इंस्ट्रूमेंट है, सी को साइड किया, एंगल आया 122 डिग्री 0 मिनट्स, तो 122 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेम यहां पर ड्रॉ करो, ये नॉर्थ एरो और यहां से 122 डिग्री, ये पॉइंट अपना, सो 122 डिग्री 0 मिनट्स। अब सी से डी 46 डिग्री 0 मिनट्स, तो 46 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नॉर्थ एरो 46 0 मिनट। डी से ई 205 डिग्री 30 मिनट्स, अच्छा 205 अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नॉर्थ एरो है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहां से लेके 205 यहां पर आएगा कहीं, अब लास्ट में ई से ए 300 डिग्री, अच्छा 300 डिग्री आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट इसके सेकंड क्वाड्रेंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये नॉर्थ एरो यहां से लेके यहां तक जो एंगल बना वो हुआ 300 डिग्री 0 मिनट्स, ठीक है, तो आपकी फिगर ये बनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब इसका इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको पैरेलल लाइंस कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब क्या है इसके अंदर, ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी होगा 60 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 122 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, 122 माइनस 180, 180 में से 122 माइनस कर दिया, रिमेनिंग 58 डिग्री, राइट। अच्छा, अब सी पे आ जाते हैं, ये सी पॉइंट, ये 58 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये 58 होगा और रिमेनिंग एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 58, तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये होगा आपका 122 डिग्री, मतलब सेम ऐसे ही जैसे ये है वैसे यहाँ तक 122 डिग्री। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितना हुआ, 180 में से 46 डिग्री माइनस कर दो, 134 डिग्री, राइट। अच्छा,
सी के बाद ये वाला पॉइंट है डी। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितना है, डी से ई, ये था आपका 205 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहां से लेके यहां तक 205 डिग्री 30 मिनट्स है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक ये हो गया 180, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना है, 205 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, तो आपको ये हो गया 25 डिग्री 30 मिनट्स। तो 25 डिग्री 30 मिनट्स ये वाला एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल निकालना है, ये 46, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 46, ठीक है, तो 46 में से 25 डिग्री 30 मिनट्स माइनस किया तो आपका आएगा इंटीरियर एंगल 46 डिग्री माइनस 25 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ गया 20 डिग्री 30 मिनट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल डी इक्वल्स टू 20 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। अब डी से ई पे आ जाते हैं, अब यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक 300 दे रखा है, 300 डिग्री, ठीक है, तो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल कितना हो गया, इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये रिमेनिंग एंगल कितना है 60, क्योंकि कंप्लीट किया है 360 डिग्री है, 300 हो गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 60 डिग्री। और ये वाला एंगल क्या हो, किसके बराबर होगा, इसके बराबर, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है, तो ये एंगल कितना है 25 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये हो गया 25 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ पर आ जाओ, ए दे रखा है 60 डिग्री, अब ये 60 आ गया, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 60 होगा, तो अब क्या करना है, इसके अंदर 180 में से 60 माइनस कर दिया और 60 डिग्री 30 मिनट्स माइनस कर दो, तो इसमें हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट्स 59 डिग्री 30 मिनट्स, ये हो गया। अब सबको एडअप कर लेते हैं, एंगल ए 59 डिग्री 30 मिनट्स, एंगल बी में क्या है, 60 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 58 डिग्री, ये हुआ 118 डिग्री 30 मिनट्स, एंगल सी 122 डिग्री प्लस 134 डिग्री, ये हो गया 256 डिग्री एंड 0 मिनट, एंगल डी हमने निकाल दिया था 20 डिग्री 30 मिनट्स, और एंगल ई 60 डिग्री एंड 25 मिनट्स, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री प्लस 25 डिग्री 30 मिनट्स 85 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। अब हमें चेक करना है कि इंटीरियर एंगल्स ठीक हैं या नहीं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या चेक करने के लिए, 2n-4 × 90 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन एंगल्स को सम करके जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए, इस फॉर्मूले के बराबर। एन हो गया क्या, नंबर ऑफ साइड्स इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 साइड्स हैं, 5 × 10 − 4 = 6, 9 × 6 = 54, तो इनका जो समेशन है वो इसके बराबर आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, 59 डिग्री 30 मिनट्स
प्लस 118 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 256 डिग्री प्लस 20 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 85 डिग्री एंड 30 मिनट्स इक्वल्स टू 540 डिग्री 0 मिनट्स. तो मीन्स ये करेक्ट है कंप्लीट ट्रैवर्सिंग. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल्स को यूज करके बियरिंग्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.